हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज मैं करने जा रही हूँ अपने क्लोज़ेट को ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद अभी तक मैंने अपना क्लोज़ेट अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया था। अभी तक हमने सारे बैग्स भी ओपन नहीं किए थे, तो दो तीन बैग्स ओपन किए थे और वही कपड़े पहनते थे, धोते थे, वही अगेन पहनते थे। तो अभी टाइम आ गया कि मैं सोच रही हूँ क्लोज़ेट पहले ऑर्गेनाइज कर लूँ। तो मैंने यहाँ पे सारे बैग्स ओपन किए हैं और धीरे धीरे करके मैं आज ऑर्गेनाइज करूँगी। तो आज का मेरा मेन टारगेट है कि पूरा क्लोज़ेट सेटअप कर लूँ कैसे भी, फिर कल से मैं दूसरे काम में लगूँगी। तो चलिए हम मिल के क्लोज़ेट ऑर्गेनाइज करते हैं।
बहुत सारे अप्स डाउन चेंज एंड ऑल करने के बाद ये है मेरे क्लोजेट का फाइनल लुक। तो मैं दिखाती हूँ, तो ये क्लोजेट में एंटर करते ही बीच में ये सेल्फ है और राइट साइड। तो पहले राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो राइट साइड में मैंने अपने सब अपने लाइक अपना बनाया है और लेफ्ट साइड में मेरे हस्बैंड का। तो राइट साइड में मैंने जो भी मेरे आउट गोइंग क्लोथ्स हैं वो मैंने हैंग किया है यहाँ पे, और जो भी हमारे इंडियन ड्रेसेस हैं लाइक बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होता, दैट्स वाई मैंने उसे अच्छे से पैक करके रख दिया है, और जब भी हमें कोई ओकेज़न हो या पहनना हो तो मैं इजीली ग्रैब कर सकती हूँ, फिर अगेन वहीं पे रख सकती हूँ, बिकॉज इसको बहुत ऑफन नहीं पहनते तो फिर बाहर रखने का कोई सेंस नहीं बनता है, दैट्स वाई मैंने ऐसे ऐसे रख दिया है। और इस साइड मेरे ड्रेसेस हैं, और इधर कॉर्नर में हमने बैग जो एम्प्टी किया वो बैग के अंदर बैग डाल के रख दिया है फिलहाल यहीं पे, बाद में देखती हूँ। और इस साइड ड्रॉअर में मैंने यहाँ पे मेरे अंडरगार्मेंट्स, उसके नीचे वाले में मेरे डेली यूज़ के टीज लाइक टी शर्ट्स, और उसके नीचे एक्टिव वेयर रखा है मैंने, और बस इस साइड इतना ही। और आते हैं ये बीच के सेल्फ में। तो मिडल सेल्फ में मैंने सबसे लोअर कैबिनेट में लोअर सेल्फ में मैंने दो बास्केट रखे हैं जिस पे मैंने अपने लोअर्स रखे हैं, जो भी डेली यूज़ वाले लोअर्स, और उसके ऊपर स्वेटशर्ट्स है मेरे, फिर उसके ऊपर मेरे डेनिम शॉर्ट्स जैगिंग्स एंड ऑल, एंड उसके ऊपर मेरे हस्बैंड के डेनिम और शॉर्ट्स एंड ऑल, और उसके ऊपर उस मत उनका स्वेटशर्ट। तो मैंने टॉप में रखा है बिकॉज वो पहुंच सकते हैं, और मैंने अपना नीचे रखा है। एंड उसके बाद आते हैं राइट साइड में। तो राइट साइड में इधर मैंने उनका सब जो भी शर्ट्स हैं जो वो ऑफिस जाते पहन के वो हैंग कर दिया है, और नीचे सभी टी शर्ट्स लाइक कॉलर वाले और नॉर्मल टीज ये सभी मैंने हैंग किया है। और इस साइड उनके स्वेटशर्ट्स हैं, और कॉर्नर में मैंने टाई डाल दिया है, और इधर सेम कॉर्नर में एक बैग है जो कि एम्प्टी है, इसके अंदर बैग है वो मैंने अभी यहीं पे रखा है, और यहाँ पे आयरन डाल दिया है सो दैट हमें कभी पहन के जाना हो और प्रेस नहीं है वो कपड़ा तो हम इजीली यहीं पे आयरन कर सकते हैं। तो एक आयरन यहाँ पे, एक लॉन्ड्री रूम में। और ये जो कैबिनेट है इसमें फर्स्ट वाले ड्रॉअर में मैंने बेल्ट और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डाली हैं, अभी एम्प्टी ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल है, और उसके नीचे इनर्स जो विंटर में इनर्स लगते हैं वो इनर्स हैं। बस इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज किया है, अभी देखते हैं कितने दिन ये ऑर्गेनाइज रहता है, बट अभी काफ़ी स्पेशियस और खाली और अच्छा दिख रहा है। एंड डोर के पीछे मैंने बस अपने हैंड बैग्स एंड ऑल हैंग किए हैं। ये जो बेडरूम में ड्रेसर है उस पर मैंने अपने हस्बैंड के डेली यूज़ के क्लोथ्स रखे, तो उनके लोअर्स ये ड्रॉअर में, नीचे वाले ड्रॉअर में अंडरगार्मेंट्स, और इधर उनके एक्टिव वेयर, एंड इधर डेली यूज़ के टीज, एंड अपर ड्रॉअर में कुछ वॉच एंड ऑल कुछ एक्स्ट्रा स्टफ़। सो 3 आवर्स के हार्ड वर्क के बाद ये फाइनल रिजल्ट है। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो और कुछ मोटिवेशन मिला हो ऑर्गेनाइज करने का। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।